मैं हूं तुम साथ ना हां उन्हें अग चूल्हे च अंदर ले आंदी हां ते छुरी गरम करके ते सानू लान लग गया ए जदों छुरियां ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਲਾ ਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਛੁੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਦਾ ਲਾ ਜੀ ਐ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਮਾਂ ਕੇ ਆਓ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਤਾ ਥਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਨਸ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਨਾ अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ वो बच्चे मौजूद हैं जिन पर उनका सौतेला बाप तशद्दद किया करता था और उनको मजबूर किया करता था कि जाओ जाकर भीख मांग कर आओ। मेरे साथ वो बच्चे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो शख्स कौन था और क्यों आपको भीख मांगने पर मजबूर किया करता था। बेटा क्या नाम है आपका? कमर। कमर कौन था वो जो आपको मारता था? गुल्लू। क्या नाम है उसका? गुल्लू। क्या कहता था? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਮੰਗਣ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮੰਗਣ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾ ਜੀ। ਐ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। अच्छा, तो फिर तुसी जदों मंगन जांदे सी ते फिर किन्ने पैसे लेके आंदे सी? 300। ते ओ पैसे कौन लैंदा सी? ओ गुल्लू। गुल्लू ले लैंदा सी? हां जी। ते ए गुल्लू काम नहीं सी करदा वे? नहीं। ते उस दिन की होया सी जिस दिन ताडे जिस्म नु साड़िया सी गरम छुरी लगा के, ते क्यों लाई सी उने छुरियां? फिर ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕੋ ਫੋਨ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਫੋਲੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀ ਹੋਣੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਵਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੁਰੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਮਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਛੁਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਛੁੜਾਇਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਏ ਵੀ? ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਮੰਗਣ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾੜਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸੁਤੇਲੇ ਬਾਪ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਬਰਬਰੀਅਤ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਜੈਸੇ ਕਿ ਉਹ एक तोते की तरह बोल रहा हो। इसको पढ़ाया नहीं है किसी ने, इसको सिखाया नहीं है, इसके साथ जो बीती है वो खुद बता रहा है। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनाहिल। अच्छा मनाहिल, ये कौन था आपका, क्या लगता था जो अंकल आपको मारा करता था? वो कहता था मुझे पापा कहना करना। अच्छा, वो कहता था मुझे पापा कहा करो? मैं कहता मांग के आओ, मांगने से नहीं गए तो फिर मारता था। आप तीनों बहन भाइयों को कहता था मांगने के लिए जाया करो? नहीं जाते थे, फिर मारता था। तो ये स्कूल नहीं भेजता था आपको? नहीं। क्यों नहीं भेजता था स्कूल? दादा तुम्हें पढ़ने नहीं देना, तुम्हें मांगने देना। तेरे भी जिस्म तो छुरियां लगाई इसने गर्म करके? हाँ जी। कितने लगाई से? पीछे कमर से लगाई सी। हाँ जी। तो माँ कितने सी उस टाइम? कोल बैठी सी। माँ ने मना नहीं किया? नहीं। माँ जिसको जो बच्चों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है, लेकिन उसकी आंखों के सामने इन मासूम बच्चों को गर्म छुरियों के साथ जलाया जाता था, लेकिन उसको ज़रा परवाह नहीं होती थी, ज़रा फिक्र नहीं होती थी। अगर उस माँ को इन बच्चों की फिक्र होती, परवाह होती, तो यकीनन वो इस तरह की गलत हरकत ना करती और किसी दूसरे शख्स के साथ शादी ना करती। मेरे साथ इन बच्चों का हकीकी बाप भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनको कैसे इत्तला मिली कि इनके बच्चों को इस तरह से बेदर्दी के साथ जलाया गया और उसके बाद मुलज़म को किस तरह से पकड़ा गया, इनके बाप से जानते हैं। भजन आप मुझे बताएं कि ये बच्चे आपके साथ नहीं रहते थे? नहीं, वो इसकी माँ उठा कर ले आई थी। इसकी माँ उठा के ले आई थी? तकरीबन 3-4 दफ़ा वो ले आती थी। अच्छा। मैं काम पर जाता था, वो पीछे से ले आती थी। ये जो शख्स है गुल्लू जिसका ये बच्चे बता रहे हैं, ये कौन शख्स था और आपकी बीवी का उसके साथ कैसे तल्लक बना? मैं ये नहीं जानता कि कैसे बना, जिसने मेरे से पर्दे से तलाक ली। अच्छा। घर बैठ कर ही जब तलाक ले ली तो मेरे हाथ में कागज़ फड़ा कर कह के कि मैं बच्चे नहीं रखने तेरे ने। अच्छा। फिर तकरीबन महीने बाद आई थे, बच्चे चोरी मगरों ले गई।
फिर मैं बच्चे भी लभदा रहा, इन्हों भी लभदा रहा, फिर नहीं लभे मैं फिर घर के मैं भी जो शाम को अं तो रोटी खानी खानी, मेरे नाल तीन बच्चे सन, वो फिर रोटी अं खाने के चक्कर के रोटी के वास्ते टुरे रही है। आ हूँ पता लगा तो मेरे साले ने मैंने फोन किया कि भाजी उन्हें बच्चे साड़ दते तो इतने छड़ के बच्चे आप उन्होंने को चोरी नस के आए ने तो इतने आए ने अपने ताए के घर। उधरों फिर मैं आए मैंने फोन किया इन्हें रात नौ दस बजे ना, मैं फिर आया रात के बारह मैंने बज के, मैं हूँ मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ना अगे जा सकना ना पिछे जा सकना, मैं जो दिन चढ़ेगा तो फिर कुछ करा। फिर बच्चों को क्यों जलाया गया, इन्होंने को भीख मंगवा कि बाकी लोगों के बच्चों को भी यह भीख मंगवा है? बाकियों को तो नहीं जानता, पर इन्होंने मेरे ना भी नहीं जो गल की जी हूँ तुम कर रहे जो ना इन्होंने दसियाँ है, मेरे ना मैं ना इन्होंने कुछ नहीं पूछा है, तुम्हें आपे दस रहे हैं। हूँ इस केस के मुद्दे तुम हो? हाँ जी। की सज़ा इन मिलनी चाहिए? इन उम्र कैद होनी चाहिए, सारी जिंदगी बाहर ना निकले, क्योंकि जिस तरह इन्हें बच्चों के उत्ते लाया तो जो ये ला के विखाया जाए कि कि चीकां निकल दियाँ, तो जिन्होंने मासूमों साड़िया बच्चे अपने नाल रखोगे? हाँ जी। वो तो बीवी कितने भी पुलिस ने फड़िया कि नहीं फड़े फड़ने भी इन भी ना सजा, इन भी उम्र कैद ही होनी चाहिए क्योंकि दोबारा ये बच्चे वेख ना सके, क्या बच्चे परेशान ना हो। और उस मुलजम का बयान भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा अगली वीडियो में, ताकि मुलजम क्या कहता है और मुलजम ने इस तरह की हरकत क्यों की। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।